गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आप लोग। बाकी के लोग ज्वाइन हो गए तब वो लोग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके तो चलिए आपका अटेंडेंस लगा लीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। ओके तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके चलिए। तो टुडे इज आवर एफसीसी टू मैथ्स क्लास है, राइट? तो हम आज हमारा सेशन नंबर है 59। ओके सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? बताइए चैट बॉक्स में। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके टुडे इज आवर सेशन नंबर 59। ओके ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड लेसन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग लेसन राइट? हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग ये लेसन स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? अपन डेटा हैंडलिंग हा लेसन स्टार्ट केलेला ऑलरेडी। ओके तर आज अपन आपला एक थोडासा लास्ट पार्ट रिमेनिंग राहिलेला आहे, तो आज अपन कंप्लीट करणार आहोत। ओके आणि त्याच्यानंतर हा लेसन आपला कंप्लीट होईल। ओके आज हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग देखने वाले, छोटा सा टॉपिक है वो आज हम लोग देखने वाले। उसके बाद हमारा ये जो लेसन है और ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। टुडेज टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन। हमेशा की तरह जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो हम लोग देखने वाले, उस बार रिवाइज कर लेंगे। उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों को, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें वो है प्रोबेबिलिटी। सॉरी सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हा वर्ड तुम्हें ऐकला है का? जरा चैट बॉक्स मध्ये रिप्लाई करा। हाँ ओके जिन्होंने नहीं सुना है वो आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ओके उसके बारे में पढ़ने वाले, इजी कंसेप्ट है। ओके और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्विज टाइम, मीन्स उसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके तो फर्स्ट आज हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवीजन, देन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले, देन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ओके तो चलिए रिवीजन, तो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? चले कौन बताएगा? विच टॉपिक्स कवर ऑन लास्ट लेक्चर? चले बताइए लास्ट लेक्चर कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे? यस ग्राफ के बारे में पढ़ाया था मैंने। तो ग्राफ में भी मैंने दो टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ाया था, राइट? तो चलिए कौन बताएगा मुझे? कौन सांगणार मला काय बघितलं होतं आपण लास्ट टाइम? ग्राफ बद्दल बघितलं होतं पण कुठले ग्राफ? ओके अनघा टेल मी। हॅलो मॅम, यस जॉईंट बार ग्राफ अँड व्हर्टिकल ग्राफ. बार ग्राफ मैंने बताया था। ओके वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, राइट? और दूसरा वाला टाइप बताया था मैंने बार ग्राफ का ही, याद है आप लोगों को? राजदीप आपको याद है कौन से ग्राफ के टाइप हम लोगों ने पढ़े थे? राजदीप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ तो स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी। चलिए बताइए कौन से टाइप। मैंने बार ग्राफ के बारे में बताया था और डबल बार ग्राफ के बारे में भी बताया था, याद है आपको? अब याद आ गया बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ? यस अनघा आपका माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। ओके बार ग्राफ के बारे में क्या बताया था मैंने? क्या बताया था मैंने बार ग्राफ के बारे में? क्या होता है बार ग्राफ? बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा
बाय नंबर ऑफ बार यानी रेक्टेंगल्स ऑफ ए यूनिफॉर्म विथ इरेक्टेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद द इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, राइट? वही बताया था ना मैंने, क्या बताया था मैंने, बार ग्राफ क्या होता है, ये हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ओके? नंबर्स दिए होते हैं आप लोगों को, डेटा दिया होता है, न्यूमेरिकल डेटा दिया होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है आप लोगों को, राइट? जो लास्ट टाइम मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था पिक्चर्स के थ्रू, राइट? वैसे ये बार्स के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप वर्टिकली भी कर सकते हो, वर्टिकली बार ग्राफ निकाल के कर सकते हो, या हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ निकाल के कर सकते हो, राइट? बताया था ना मैंने कैसे ड्रॉ करना है, वो भी बताया था मैंने, राइट? उसका मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे दिखते हैं बार ग्राफ। ये होता है वाई एक्सिस, राइट? हॉरिजॉन्टली होता है ये एक्स एक्सिस, मिडल बीच में होता है ओरिजिन, राइट? बताया था ना वो, ये होता है पूरा वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, राइट? यहाँ पे स्केल होता है, स्केल आपको स्केल लिखना पड़ता है, यानी फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर, क्या 10 साइकल्स, ओके? ऐसे लिखना पड़ता है ना आप लोगों को, ओके? देन यहाँ पे आप लोगों को डेटा शो करना पड़ता है बार्स में, बार्स यानी रेक्टेंगल फॉर्म में, राइट? याद है सब लोगों को, याद आ गया? ये है बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। आपको एक न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा, उसका आपको प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना है उसको बार्स में, रेक्टेंगल्स में, ओके? समझ में आया सब लोगों को? यही पढ़ा था लास्ट टाइम, याद आया आप लोगों को? आपको घर पे ड्रॉ करने के लिए भी बोला था, ओके? उसके बाद मैंने क्या बताया था, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के बारे में कौन बताएगा? सेम कंसेप्ट है, वो भी वही करता है, उसका काम भी वही है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करना है? अब डबल बार ग्राफ करेगा, राइट? और उसमें क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे डबल बार ग्राफ क्यों कहा गया है, कौन सांगणार मला त्याला डबल बार ग्राफ का म्हटलं आहे? तो सुद्धा आपल्याला न्यूमेरिकल डेटाच रिप्रेझेंट करणार आहे, पण आपण त्याला डबल बार ग्राफ का म्हटलंय? बिकॉज इट रिप्रेझेंट टू सेट्स ऑफ डेटा ऑन द सेम ग्राफ, राइट? तुम्हाला दोन जे डेटा आहे, दोन सेट डेटा दिलाय, दोन डेटाचं इन्फॉर्मेशन दिलाय, ओके? तो तुम्हाला एकाच ग्राफ मध्ये रिप्रेझेंट करणार, राइट? त्याला म्हणून आपण काय बोलणार आहे, डबल बार ग्राफ, राइट? जो आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन, दो डेटा दिया होगा, वो दोनों डेटा को वो एक ही बार ग्राफ में वो रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ, ओके? और डबल बार ग्राफ इज ए बार ग्राफ दैट रिप्रेजेंट टू सेट्स ऑफ डेटा ऑन द सेम ग्राफ, राइट? एंड दी टू बार एंड टू बार्स करस्पॉन्डिंग टू ईच कैटेगरी आर ड्रॉन नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके? उसके वो एक दूसरे को कंपेयर करते हो, ड्रॉ किए जाते। समझ में आया सब लोगों को? डबल बार ग्राफ वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्वाइन दो इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें, दो सेट ऑफ डेटा होता है, राइट? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ओके? तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन क्या किया होता है, दिए गए होते हैं, ओके? समझ में आया? और यहाँ पे स्केल होता है, राइट? और यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंट मीन्स ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉटेड, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया देना पड़ता है। समझ में आया सब लोगों को, डबल बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी को डाउट है? लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था, याद आया सब लोगों को? रिवाइज हो गया? बताइए चैट बॉक्स में।
ओके चले, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों के पास अभी ग्राफ पेपर है? दोनों के पास ग्राफ पेपर है? दोनों के पास अवेलेबल? बताइए चैट बॉक्स में। ओके चले, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, हो गए तो ग्राफ पेपर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, नहीं हो गए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ओके चले, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है वो है आई थिंक डबल बार ग्राफ पे। ओके ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सेल्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन ईयर 1995, 1996, 1997 एंड 1998 आर गिवन बिलो। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश बुक का सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है। ओके ईयर वाइज इस मीन्स 1995 में कितने हिंदी और इंग्लिश के बुक सेल हो गए, राइट? 1996 में कितने सेल हो गए, 1997 में कितने सेल हो, इसका इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को। ओके ये आपको यहाँ पे मैंने टेबल भी दिखाया दिया है। देखिए यहाँ पे टेबल में ईयर्स दिए 1995, 1996, 1997, 1998। ओके इंग्लिश के बुक कितने सेल हो गए, देन हिंदी के बुक कितने सेल हो गए। ओके उसके बाद देखिए क्या बोला है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है? डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उसके आंसर करने। ओके समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? डेटा दिया हुआ है इंग्लिश बुक कितने सेल हो गए और मराठी बुक कितने सेल हो, सॉरी हिंदी और इंग्लिश बुक कितने सेल हो गए ईयर वाइज आपको उसका इंफॉर्मेशन दिया। आपको डबल बार ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है? बताइए चैट बॉक्स में। चले मैं ऐसे ही रफली बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ, आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है आप। ओके तो देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं एडजस्ट कर लीजिए। ओके इसे जरा जागा कम है तो थोड़ा तुम्ही एडजस्ट करा। ओके चले, तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे? एक्स एक्सिस पे क्या डेटा आ जाएगा, किसका डेटा आ जाएगा? एक्स एक्सिस पर कुछला डेटा लेना रहा अपन, ईयर की बुक सॉरी सेल्स, ईयर्स राइट, क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस पे? ईयर्स। तो चलिए यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं 1995, 1996, 1997 और यहाँ पे 8 8। ओके चले, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आएंगे, स्केल देना पड़ेगा हम लोगों को। ओके तो स्केल कैसे देंगे अब आप लोग? टेबल देखिए, टेबल में इंफॉर्मेशन देखिए कैसे दिए नंबर्स, 350, 400, 450, ओके 600, यानी हम लोग स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स। ओके 100 बुक्स लेते हैं, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक लेती हूँ। ओके तो 100 लेती हूँ, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ओके चले मैंने ये सब लिख लिया, अब हम लोग देखते हैं। ओके चले, तो 1995 में चलिए इंग्लिश देखिए कितने हैं, 350 और हिंदी 500। चले हम लोग ड्रॉ करते हैं, इंग्लिश है 350,
इसलिए हम लोग ओके इंग्लिश है 350, तो 350 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा बीच में, यहाँ से 400 और 300 के बीच में, राइट। ये हो गया 350 ओके। और 500 है ना हमारे, तो 500 यहाँ पे, समझ में आ रहा है सब लोगों? ओके वेट वेट, हम लोग क्या करते हैं इसको दूसरे, ओके ओके ये था हमारा हिंदी का 500 ओके। हम लोग ब्लू वाला इंग्लिश का दिखा रहे हैं और पिंक वाला हिंदी का दिखा रहे हैं ओके। देन 1996 में 405 25, 405 25, 400 यहाँ पे, 400 यानी 525 मीन्स यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ओके देन उसके बाद है 450 600, 450 थोड़ा ऊपर यहाँ पे 450 और 600, ओके। तो याद आया सब लोगों को कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिए है। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द स्केल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक लिस्ट। देखिए क्या बोला उन लोगों ने, कौन से ईयर में दो बुक के जो सेल का डिफरेंस है वो सबसे कम है। दोनों बुक के सेल का जो डिफरेंस है दो, दो क्या है, सबसे कम है ओके। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब ईयर के जो बुक के है उसका क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स निकालने पड़ेगा राइट, हाइट निकालना पड़ेगा कितना है ओके। तो चलिए निकालते हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, हाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 350 500 में से 350 गया, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ओके चलिए हम लोग ऐसे करते हैं, बोलते रहने दीजिए। ऐसे देखिए फॉर 1995 के लिए, 1995 के लिए हमारा बार ग्राफ का हाइट, हाइट ऑफ बार ग्राफ, बार ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का हाइट कितना है 1950 के लिए, 1995 के लिए 350 है ना, क्या है 350, 350। और हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ले रहे हैं, तो इसलिए 100 से मैंने क्या किया उसको डिवाइड करे, तो आंसर क्या आ गया 3.5, 3.5 लार्ज डिवीजन ओके। वैसे ही हाइट ऑफ बार इक्वल टू हिंदी के लिए कितना आ जाएगा, 500 है, तो 500 अपॉन 100 कितना आ गया 5। समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैं हाइट निकाल रही हूँ उनका, समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में। और 100 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 लिया है ना, मैंने 100 सेल्स लिया है राइट, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ 100 से डिवाइड कर रही हूँ ओके। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग 500 से 350 क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा उनका, डिफरेंस देखिए 350 में से, सॉरी 500 में से 350 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0 10 4 150 राइट। अब 525 में से आप लोग
400 कैंसिल कीजिए, 5 to 125, ओके। अब 600 में से 450 कैंसिल कीजिए इसका, तो 0, 10, 5 मीन्स 150, और इनमें इनका डिफरेंस निकाले तो सबसे कम आ जाएगा। देखिए 650 में से 620 गए तो 30, तो लिस्ट कौन सा ईयर का आ गया, सेल्स का डिफरेंस 1998। समझ में आया सब लोगों को, कैसे सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन आंसर कैसे आया, समझ में आया? लिस्ट सबसे कम सेल्स कौन से ईयर में हो गया है, 1998, क्योंकि मैंने डिफरेंस निकाला है ना उनके बार बार के हाइट का, राइट? समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? बताइए चैट बॉक्स में। अनघा आपको समझ में आया, राजदीप को आ गया, अनघा आपको समझ में आ गया? ओके चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक आर रोज फास्टर, जो इंग्लिश बुक की डिमांड है वो उसकी डिमांड फास्ट राइज हो रही है क्या, जल्दी जल्दी फास्ट में उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्या? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1995 में 350 है, 400 हो गए 1996 में, यहाँ पे 450 हो गए और यहाँ पे 620 है, तो राइज हो रहा है ना, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है ना इंग्लिश बुक के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यस द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। समझ में आया सब लोगों को? डेटा में से आप लोगों को आंसर कैसे देना है समझ में आया? बताइए चैट बॉक्स में। समझ लगा सगळ्यांना डेटा वरून कसा आंसर आपण काढलं? ओके चला पुढे जाऊया। तो सब लोगों को ग्राफ के बारे में पता चल गया, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा ग्राफ का जो कुछ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक बाकी है वो हम लोग आगे बढ़ते। ओके यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कुछ डाउट है? आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ओके देखिए क्या है, हाँ मैंने ग्राफ बताया, ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, जो क्वेश्चन था अभी लिया उसका ग्राफ है ये। ओके चले नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी। ओके मराठी ज्याला बोलता संभाव्यता, संभाव्यता। ओके तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। द मेजर ऑफ द चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, कुछ तो आप लोगों ने कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया और उसका आप लोगों को कुछ तो क्या बोलते हैं, उसका कुछ तो आप लोगों को कंक्लूजन आएगा इसके, आपको उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन आने का चांस होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी। ओके तो एखादी गोष्ट घडण्याची जी शक्यता असते ती तुम्ही मेजर करता, त्याला तुम्ही काय बोलता है, प्रोबेबिलिटी। ओके आप लोग एक कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओके तो आपको पता है उससे आप लोगों को कुछ तो ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ओके तो वो ऑब्जर्वेशन मेजर, जिसे मेजर करने की करने को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऑब्जर्वेशन मेजर मीन्स तुम्ही काहीतरी गोष्ट एक प्रयोग करता है, एखादी गोष्ट तुमची घडून येते तर ती गोष्ट मोजण्याची जी शक्य म्हणजे जी गोष्ट घडण्याची जी शक्यता त्या मोजण्याला तुम्ही काय बोलता, प्रोबॅबिलिटी। कळालं तुम्हाला? द मेजर ऑफ द चान्स ऑफ हॅपनिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोबॅबिलिटी। समझ में आया सब लोगों को डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की? ओके आगे बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, आता जी प्रोबेबिलिटी है ती मेजर बघा कशी करायची आहे, मला सांगितले त्यांनी ऑलरेडी, फिक्स हॅपनिंग ऑफ श्युअर और सर्टन हॅपनिंग
म्हणजे काय, आता तुम्हाला एखादी गोष्ट घडणारच आहे, शुअरली घडणारच आहे. ओके, त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे? आता तुम्ही एखादा एक्सपेरिमेंट केला, ओके, आणि तुम्हाला माहित आहे की त्या एक्सपेरिमेंटचं कन्क्लुजन येणारच आहे, त्याचा चान्सेस आहे. ओके, शुअरली तुम्हाला म्हणजे माहिती आहे त्याचं, तुम्हाला काय कन्क्लुजन येणार. ओके, काहीतरी त्याच्यातनं घडणार, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे? वन. काय असणार आहे? वन. ओके, द प्रोबॅबिलिटी ऑफ शुअर और सर्टन हॅपनिंग, काहीतरी होणारच, त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे? वन. ओके, देन द प्रोबॅबिलिटी ऑफ अन इम्पॉसिबल सिच्युएशन. आता अशी सिच्युएशन आहे तुमच्याकडे की त्याची प्रोबॅबिलिटी तुम्ही काढू शकतच नाही. ओके, असे जो एक्सपेरिमेंट आहे तो तुम्ही, त्याचं तुम्हाला काहीच म्हणजे काही होण्याची शक्यता नाहीच आहे. ती तो एक्सपेरिमेंट काही घडण्याची शक्यता नाहीच आहे, त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे? झिरो. राईट ना? बरोबर ना? आता तुम्हाला एखादं समजा काहीतरी तुम्हाला सांगितलं की फॉर एक्झाम्पल काय सांगा तुम्ही, करणार अशी कुठली गोष्ट आहे जी तुम्ही करू शकणार नाही, तर ती तुम्हाला करायला सांगितली, तो एक्सपेरिमेंट करायला सांगितला. ओके, मग तो इम्पॉसिबल आहे ना एक्सपेरिमेंट, ही सिच्युएशन इम्पॉसिबल आहे. मग त्याची प्रोबॅबिलिटी तो आपण मोजू शकणार का की आपण मेजर करू शकणार का? नाही. मग तीच जी सिच्युएशन आहे ती आपण मेजर करू शकत नाही. मेजर नाही केली म्हणजे त्याची प्रोबॅबिलिटी काय येणार आहे? झिरो. कळतंय तुम्हाला? कळतंय का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. हाँ, आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मी याला तुम्हाला एक्झाम्पल देते. जी प्रोबॅबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल सिच्युएशन आहे ना, त्याचा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला देते. जी स्काय मध्ये जे स्टार्स आहेत ते तुम्हाला काउंट करायला सांगितले. ओके, प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्टार्स इन दिस स्काय. ओके, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस स्टार्स विच आर सीन इन दिस स्काय. ओके, तुम्हाला आता सांगितलं की तुम्ही आता बघा, तुम्हाला जे स्काय मध्ये जी स्टार्स दिसतात त्यांची प्रोबॅबिलिटी सांगा मला, तर तुम्ही काउंट करू शकणार का स्टार्स? काउंट करू शकणार तुम्ही स्टार? नाही, नाही करू शकत, कारण हा इम्पॉसिबल सिच्युएशन आहे की स्टार काउंट करू शकणारच नाही. मग त्याची प्रोबॅबिलिटी काय लिहिणार तुम्ही? त्याची प्रोबॅबिलिटी काय मेजर होणार? काय मेजर होणार त्याची प्रोबॅबिलिटी स्टारची? झिरो. राईट, काय होणार? झिरो. कळालं तुम्हाला आता इम्पॉसिबल सिच्युएशन म्हणजे काय? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट काय सांगितलंय? प्रोबॅबिलिटी ऑफ एन इव्हेंट दॅट मे और मे नॉट हॅपन. आता असे पण काही एक्सपेरिमेंट असतात, अशी काही सिच्युएशन असते, ती कधी कधी घडते, कधी कधी होण्याची शक्यता असते, पण कधी कधी नाही होत, कधी कधी नाही होत. तर त्याची प्रोबॅबिलिटी कशी मेजर करणार? त्याची प्रोबॅबिलिटी ती सिच्युएशन मेजर केली तर कशी येणार? बिटवीन 0 to 1, 0 किंवा 1 च्या मध्ये येणार. ओके, 0 म्हणजे ती झाली पण नाहीये, ती झाली पण नाही, आणि 1 म्हणजे ती होत पण नाही. बरोबर ना? सॉरी, 1 म्हणजे ती झाली आहे. प्रोबॅबिलिटी 1 कधी येणार? ती घड झाली आहे ती सिच्युएशन. आणि 0 कधी येणार? ती नाही घडली. मग त्यांच्या मध्ये सगळं मे और मे नॉट बी, मे नॉट हॅपन. ओके, तर बघा इथे मेजर ऑफ प्रोबॅबिलिटी कसे असणार आहे. कंडिशन सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. जर तुमच्याकडे एखादं आहे, एखादं तुम्हाला
मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सगळ्यांना आवाज येतोय का? माझा थोडा नेटवर्कचा इश्यू झाला आहे. माझा आवाज येतोय, वेट अ मिनिट, थोडा नेटवर्कचा इश्यू झाला आहे. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइए स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है बताइए, चैट बॉक्स में स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो सबको समझ में आया मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग. स्क्रीन विजिबल है सबको? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया है. स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है बेसिक टर्म्स है प्रोबेबिलिटी में, जो यूज किए प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है ये अपन बघूया. एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बघा. द एक्टिविटी विच वी परफॉर्म टू अचीव समथिंग. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम लोग कुछ तो टास्क करते हैं और उस टास्क करने से हम लोगों को कुछ तो मिलता है, कुछ तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट, राइट ना? कुछ तो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उससे हम लोगों को कुछ तो अचीव होता है, कुछ तो मिलता है. ओके, कुछ कंक्लूजन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाई. डाई मीन्स पता है ना सब लोगों को? डाइस पता है ना सब लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? डाइस पता है सब लोगों को? जो आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें जो डाई होता है वो थ्रो करने के बाद, वो आप लोगों ने थ्रो किया, ये एक्टिविटी की है, थ्रो करने की एक्टिविटी की, तो उससे आप लोगों को क्या मिला? आप लोगों को उससे क्या मिलता है? नंबर्स मिलते हैं ना, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर. ओके, और उससे आप लोग क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं, गेम आपका स्टार्ट होता है. ओके, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आप लोग एक एक्टिविटी करते हो जिससे आप लोगों को कुछ तो मिलता है. ओके, तर तुम्ही असं काही करता है त्याच्याने तुम्हाला काहीतरी त्याच्यात ना मिळतंय, त्याला तुम्ही काय बोलला? एक्सपेरिमेंट. ओके, कळलं सगळ्यांना? नेक्स्ट येतं एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट रँडम एक्सपेरिमेंट. आता रँडम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय? द ऍक्टिव्हिटीज ऑर एक्सपेरिमेंट हुज पॉसिबल आउटकम्स आर नोन टू अस. द एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट हुज पॉसिबल आउटकम्स आर नोन टू अस बट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. द एक्टिविटीज ऑफ टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई आर रैंडम एक्सपेरिमेंट. बघा इथे काय सांगितलंय, तुम्ही जेव्हा असे उपक्रम किंवा प्रयोग करता की त्याची प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही असे उपक्रम करता की त्याची प्रोबॅबिलिटी येणार. ओके, असे एक्सपेरिमेंट करता की त्याची प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला मिळणार, परंतु एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्याचा तुम्हाला अंदाज लावता येत नाही. ओके, त्याला काय बोलता तुम्ही? रँडम एक्सपेरिमेंट. आता एक एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्हाला माहिती आहे त्या एक्सपेरिमेंटचा प्रोबॅबिलिटी येणार, पण प्रोबॅबिलिटी तो एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा अंदाजच लावता येत नाही. ओके, मग त्याला तुम्ही काय बोलणार? रँडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एक्झाम्पल, नाणे फेकणे, ओके, कॉइन थ्रो करणे, टॉस टॉस करणे, ओके, किंवा डाइस तुम्ही टाकणार, तर हे काय? रँडम एक्सपेरिमेंट है ना? बरोबर ना? कळते का तुम्हाला रँडम एक्सपेरिमेंट कसे झाले? कळलं का तुम्हाला? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. आता तुम्ही टॉस उडवला, आता टॉस उडवला ना, तर कॉइन तुम्ही टॉस केला, तर तुम्हाला माहिती आहे का की तो हेडच येणार आहे की टेल येणार आहे? नाही ना, तुम्ही अंदाज नाही लावू शकत. डाइस सुद्धा तुम्ही थ्रो केला तर तुम्हाला थोडी माहिती आहे 6 नंबरच येणार की 1 नंबर येणार.
ओके त्याचा आपण अंदाज नाही लावू शकत, मग त्याला काय बोलणार, रँडम एक्सपेरिमेंट. ओके कळालं तुम्हाला ती ऍक्टिव्हिटी काय झाली, रँडम. अंडरस्टूड, कळालं का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. बाकीचे अनघा कळतंय तुला? रँडम एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट. त्याच्यानंतर अजून एक आहे आउटकम. आउटकम काय बघा, वेन अ रँडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इट एंड्स इन टू सम हॅपनिंग, सच अ हॅपनिंग इज कॉल्ड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. आउटकम म्हणजे काय, तुम्ही एखादा काही एक्सपेरिमेंट केला त्याच्यातनं तुम्हाला जे काही मिळतं. तुम्ही एक्सपेरिमेंट का करता, त्याच्यातनं तुम्हाला काहीतरी मिळण्याची शक्यता असते ना. ओके म्हणजे काय मिळतंय तुम्हाला, काहीतरी एक एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्याच्यातनं काहीतरी काय होतं, काहीतरी घडतं. त्या घटनेला तुम्ही काय बोलता, त्या एक्सपेरिमेंटचा काय बोलता, आउटकम मिळता. काय बोलता, जेव्हा एखादा प्रयोग केला जातो आणि काही तो काही घडण्यामध्ये संपतो, अशा घटनेच्या प्रयोगाचा परिणाम म्हणजे त्याला प्रयोगाचा परिणाम असे बोलतो. ओके मग इथे तुम्हाला सांगितलं, फॉर एक्झाम्पल लेटेस्ट लिस्ट आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. आता एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे तुम्हाला, त्याचे आउटकम दिले. आता टॉसिंग अ कॉइन, तुम्ही कॉइन टॉस केला तर काय ना, हेड किंवा टेल येणार. थ्रोईंग अ डाय, डाय थ्रो केला तर 1 2 3 4 5 6 असे अप्पर फेसेस वगैरे डॉट्स येणार. टू कॉइन्स टॉस केले तर टू हेड्स येणार, कधी टू टेल्स येणार, कधी वन हेड आणि वन हे टेल येणार. ओके आता नंतर वॉचिंग ट्रॅफिक ऑन अ बिझी रोड. आता तुम्ही जर ट्रॅफिक बघितलं बिझी रोडवर तर तुम्ही काय बोलू शकणार, तिथे कधी कधी काय होऊ शकतं, मे बी ऍक्सिडेंट और विल गो स्मूथ. तिथे ऍक्सिडेंट झालाय किंवा सगळेजण हळू चाललेत. कळालं सगळ्यांना आउटकम, एक्सपेरिमेंटचे आउटकम कसे येऊ शकतात, कळलं का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. कळतंय ना सगळ्यांना? ओके नेक्स्ट बघा काय. आता नेक्स्ट काय, इक्वली लाईकली आउटकम. आता जे आउटकम आहे ते इक्वल कसे असतात ते बघा. इन अ रँडम एक्सपेरिमेंट वेन ऑल आउटकम्स हॅव इक्वल चान्स टू ऑकर और दे हॅव इक्वल प्रोबॅबिलिटी, देन आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाईकली. बघा, इन अ रँडम एक्सपेरिमेंट ऑल द आउटकम्स हॅव इक्वल चान्स टू ऑकर. म्हणजे आता जे रँडम एक्सपेरिमेंट आपण करतो त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांचं जे आउटकम आहे ते येण्यासाठी त्यांना इक्वल चान्स असतो. ओके आणि मग त्यांची प्रोबॅबिलिटी काय येते, इक्वल येते, सेम येते. मग त्याला आपण काय बोलणार, त्या आउटकमला काय बोलणार आपण, की ते इक्वली लाईक आहेत, लाईकली आहेत. कळलं? आता एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही केला, त्याच्यामध्ये तुमचं त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आउटकम्स काय आलेत, इक्वल चान्स आहे आउटकम यायला आणि त्यांचं जे प्रोबॅबिलिटी आहे ते सुद्धा इक्वल आले, तर तुम्ही काय बोलणार, त्याला आउटकम इक्वली लाईकली. कळालं? कोणाला काही डाऊट इथपर्यंत? टर्म्स कळाले का तुम्हाला? रँडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, हे सगळे प्रोबॅबिलिटी रिलेटेड आहेत. कळाले तुम्हाला? कोणाला काही डाऊट? ओके चला याच्या रिलेटेड एक क्वेश्चन बघूया आपण, बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही घरी सॉल्व्ह करा. हा ओके इथे तुम्हाला, हा याचं राहिलंय तुम्हाला. आता गेटिंग हेड ऑर टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन आर इक्वली लाईकली आउटकम सो दॅट. हा बघा इथे इथे काय एक्झाम्पल दिले इक्वली लाईक, गेटिंग हेड ऑर टेल ऑन टॉसिंग आर इक्वली लाईकली. आता तुम्ही टॉस केला, तुम्ही कॉइन टॉस केला तर तुमचं जे आउटकम येणार आहे हेड किंवा टेल ते तुमचं इक्वली असणार आहे, इक्वल आउटकम असणार आहे. कसं, आता एक कॉइनला जर तुम्ही टॉस केला तर तुम्हाला एकच हेड येणार नाही तर एकच टेल येणार, राईट? एकच हेड येणार किंवा एकच टेल. दोन कॉइन टॉस केले तर तुम्हाला दोन हेड आणि सॉरी एक हेड आणि एक टेल येणार, दोन हेड येणार किंवा दोन टेल येणार, राईट? मग इथे त्यांनी तेच सांगितलं, जर तुम्ही एक कॉइन टॉस केला तर तुमचं प्रोबॅबिलिटी कशी येणार आहे, हाफ येणार ना. प्रोबॅबिलिटी हाफ कशी येणार, दोन साईड आहे कॉइनला, कशी साईड असतात, दोन साईड आहे बरोबर, त्याच्यातली एक साईड येणार म्हणजे हाफ. कळलं सगळ्यांना? 1/2 ना. कळतंय का तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी? त्या कॉइनचे दोन साईड आहेत ते आपण डिनोमिनेटरला लिहिले आणि त्याच्यातला हेड आला तर 1/2, टेल आला तर 1/2. ओके तसे इक्वली लाईकली आहे. तर क्वेश्चन बघूया आपण.
क्विज टाइम बघा बघा इथं क्वेश्चन काय दिलाय. देअर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन इच ऑफ देम. आता एका बॉक्स मध्ये 6 मार्बल्स आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी मार्क सुद्धा केलाय 1 2 3 4 असे. आता त्यांनी सांगितलं फर्स्ट क्वेश्चन बघा, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, जो नंबर 2 चा आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे. ओके बघा काय क्वेश्चन आता कसं सॉल्व्ह करणार. फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दॅट, आपल्याला क्वेश्चन वरून काय दिलंय की देअर आर 6 मार्बल इन द बॉक्स ओके विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर मार्क ओके. मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2 काय असणार आहे. नंबर 2 सोबत जर आपण प्रोबॅबिलिटी काढली त्या 6 मार्बलची तर कसं येणार. आता नंबर 2 चा जर काढला आपण, नंबर 2 चा जर प्रोबॅबिलिटी काढली, प्रोबॅबिलिटी ऑफ नंबर 2 ओके, नंबर 2 ची जर प्रोबॅबिलिटी काढली तर काय देणार. पहिले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, म्हणजे इथे काय नंबर ऑफ आउटकम आपल्याला आउटकम काय पाहिजे 2 यायला पाहिजे ना, 2 नंबर यायला पाहिजे. तो वरती आपण न्यूमरेटरला काय करणार, तो आउटकम कुठला यायला पाहिजे तो येणार नंबर ऑफ आउटकम किती टाइम्स येतो, आणि खाली लिहिणार नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ओके, म्हणजे किती येऊ शकतात. आता नंबर ऑफ 2 किती वेळा येऊ शकतात, 1 टाइमच येऊ शकतो. आणि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किती आहे, 6 ना, 6 आहेत ना मार्बल ओके. कळलं तर काय येणार प्रोबॅबिलिटी 1/6. कळलं तुम्हाला, कळलं का जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. आता तसंच तुम्हाला जर 4 दिला असतं प्रोबॅबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल ऑफ विथ नंबर 4, त्याचं सुद्धा सेमच आलं असतं ओके. आता त्याची नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किती येऊ शकतात, म्हणजे 6 नंबरचं जर तुम्ही ड्रॉइंग मार्बल किती येऊ शकतं, एकच येऊ शकतं. पण बाकीची जी पॉसिबल आउटकम आहे ती कुठले कुठले येऊ शकतात, 1 येऊ शकतं, 2 येऊ शकतं, 3 येऊ शकतं, 4, असं 6 येऊ, पूर्ण टोटल 6 येऊ शकतात. मग 1/6 कळालं सगळ्यांना. कोणाला काही डाऊट आहे, क्वेश्चन कळाला, घरी होमवर्क मध्ये सॉल्व्ह करायचंय, कळालं का. प्रोबॅबिलिटी चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा चला पटापट. सेकंड अजून एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला, तो सुद्धा तुम्ही घरी सॉल्व्ह करायचा आहे. कॉइन फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट युअर टीम विल स्टार्ट. आता तुम्हाला इथं कॉइन टॉस केला आणि कुठली की टीम काय होणार आहे खेळायसाठी त्यांनी टॉस केलाय, मग तुम्हाला काय वाटतं काय प्रोबॅबिलिटी असणार आहे त्या टीमची जी पण स्टार्ट करेल. आत्ताच सांगितलं मी तुम्हाला, कॉइन जर एक टॉस केला तर त्याची इक्वली लाइकली प्रोबॅबिलिटी असेल म्हणजे हाफ येईल. कळालं, हा ओके, तर कळालं सगळ्यांना. तर तोच तुमचं होमवर्क आहे, घरी सॉल्व्ह करायचं आहे ओके. इथेच आपला डेटा एंडिंग हा जो लेसन आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट क्लास मध्ये आपण न्यू लेसन स्टार्ट करणार आहे ओके. तर चला आपण इथेच थांबूया, तुम्ही क्लास लेव करू शकता. बाय एवरीवन, मॅम गुड नाईट. गुड नाईट, बाय.